लास्ट टाइम हमने शीट नंबर 84 स्टार्ट की थी। शीट नंबर 84 में सेल्फ इंडक्शन का फॉर्म, पहला फॉर्मूला फाइ इज एल आई, दूसरा फॉर्मूला ई एम एफ का माइनस एल डी आई बाई डी टी, तीसरा फाइ इज एम आई म्यूचुअल इंडक्शन में, चौथा माइनस एम डी आई बाई डी टी। जिन क्वेश्चन में एल और एम गिवन है तब तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो अपने को इस फॉर्मूले से एल और इन फॉर्मूला से एम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओवर अ सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो एक सोलेनोइड है 50 सेंटीमीटर की लंबाई है और 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, 500 टर्न्स हैं। इज वाउंड अनदर वायर ऑफ 50 टर्न्स नियर द सेंटर, तो एक और सोलेनोइड को हमने बांध दिया जिसके ऊपर कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स हैं। तो कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है इसकी, तो हमने फॉर्मूला किया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन का। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में गिवन है, आपको इसमें रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है और म्यू नॉट गिवन है। तो एम का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, यहाँ से एम कैन बी कैलकुलेटेड, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इंड्यूस डी एम एफ इन दी सेकेंड क्वाइल व्हेन करंट इन दी प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड, क्योंकि हम एम निकाल चुके हैं। इंड्यूस डी एम एफ का फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी पता है, एम पता है आंसर। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सोलेनोइड कॉइल हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अ पॉइंट ये है कि 50 का मतलब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरी एक और सोलेनोइड है जिसमें 200 टर्न्स गिवन है। देखो, पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। तो पहले केस में तो N1 लिख लिया, दूसरे केस में N2 इनटू L लिख लिया, क्योंकि N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये टर्म लिख ली, कैपिटल M निकालना है आपको, कैपिटल M में वैल्यूज पुट करो आंसर, क्योंकि कैपिटल M में आपको N2 L तो गिवन ही है, N2 इनटू L गिवन है, N1 गिवन है, एरिया गिवन है आंसर। तो क्लियर है यहां तक ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सोलेनोइड है और जिसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर लेंथ है और 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर आपको गिवन है। 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो नेक्स्ट है एरिया आपको गिवन है, सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ ऑन एरिया भी गिवन है। अब एक सोलेनोइड का एरिया बड़ा है और एक सोलेनोइड का एरिया छोटा है, एक बड़ा और एक छोटा कॉइल है। ठीक है, कैलकुलेट एम निकालना है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस क्वेश्चन में 20 गिवन है और लेंथ 50 गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट कॉइल के, और ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेकंड टर्न्स के भी गिवन है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक एरिया बड़ा और छोटा है, सारी बातें ठीक है, जो एरिया लेना होता है इसमें वो छोटा एरिया लेना होता है, कॉमन एरिया लेना है। तो फॉर्मूला एम का हमें मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स हम निकाल लेंगे, फर्स्ट के भी सेकेंड के भी लेंथ भी पता है, एरिया आपने छोटा एरिया लेना है बस, यही इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 में अ टोरॉइडल सोलेनोइड विद एन एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो टोरॉइड है इस बार, सोलेनोइड की जगह टोरॉइड है. तो इसमें आपको रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है. सेल्फ इंडक्शन निकालो. देखो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला सीधा अप्लाई करो, ये वाला कुछ मत करो. सेल्फ इंडक्शन के इस फॉर्मूले में एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आपको रेडियस एवरेज रेडियस की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है पाई आर स्क्वायर. आप इसमें जो लेंथ पुट करोगे ना, लेंथ वो 2πr पुट करना, क्योंकि जो टोरॉइड है उसकी लेंथ क्या होती है 2πr, इट इज सर्कुलर इन नेचर. ठीक है, बाकी एवरीथिंग इससे ठीक है यहाँ तक. तो सीधा फॉर्मूला यूज करना. नेक्स्ट है, इस टोरॉइड में अ सेकेंड कॉयल ऑफ 300 टर्न्स इज वाउंड क्लोजली ऑन द टोरॉइड अबव. एक और टोरॉइड के ऊपर टोरॉइड बांध दिया. इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीज फ्रॉम 2 एम्पियर 0 टू 2 एम्पियर इन 0.05 सेकंड, ऑब्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल. तो ये क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन का है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सेकंड कॉइल में निकालना है, पहले में मान लो करंट है, दूसरे में निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम. अब कैपिटल एम तो गिवन नहीं है इसमें, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला हमें आता है म्यू नॉट एन वन एन टू एरिया बाय एल. तो आपको दोनों टोरॉइड्स के डायमेंशन सारे गिवन है, यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू को पुट करके डी आई बाई डी टी गिवन है, आंसर आएगा. तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एक बार देखो इसमें क्या कैसे करना है. क्वेश्चन है, इस फिगर में एक शॉर्ट सोलेनोइड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है. ये छोटा सा सोलेनोइड है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है और रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें 100. लाइंग इनसाइड द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड. तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, एक बड़े सोलेनोइड के एक्सिस पे छोटा सोलेनोइड पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है. तो छोटे वाले की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है सिर्फ, बड़े वाले की लेंथ 80 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स बड़े के भी गिवन है. तो छोटे और बड़े दोनों के डायमेंशन आपको उसने दे दिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनोइड इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द शॉर्ट सोलेनोइड. तो अगर छोटे सोलेनोइड में वो कह रहे हैं 3 एम्पियर करंट है, तो बताओ कि फ्लक्स बड़े सोलेनोइड का क्या होगा और कैपिटल एम की वैल्यू निकालो दोनों सोलेनोइड्स की क्या होगी, ये भी आपको निकालना है. ठीक है, कैपिटल एम क्या होगा. तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक. तो आपको क्या करना है, छोटे के अंदर करंट गिवन है, बड़े में नहीं गिवन, कैपिटल एम निकालना है. ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, जब छोटे में करंट है तो छोटे का बी निकालोगे, छोटे का बी निकालोगे बड़ा यूज़ करेगा. छोटा जब छोटे के अंदर जब बी निकालोगे और बड़ा यूज़ करेगा उसमें प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी है. क्यों, बड़े का रिंग काफ़ी बड़ा है और छोटे का बी बाहर जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालेगा तो बड़ा उसको बड़े को कितना फ्लक्स मिलेगा ये मालूम नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक बड़ा सोलेनोइड है और छोटा सोलेनोइड है, रूल ये डेरिवेशन की थी हमने कि करंट किसी में भी पास कर दो, चाहे बड़े में करो चाहे छोटे में करो, कैपिटल एम की वैल्यू दोनों केस में क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम. ऐसे किया था, कैपिटल एम तो चेंज नहीं होता चाहे करंट जिसमें मर्जी पास किया जाए. तो इसलिए वो ये कहते हैं, एज द शॉर्ट सोलेनोइड प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड. बहुत छोटा है वो, बहुत छोटे में क्या ही भी जनरेट होगा बड़े के सामने, तो बड़ा तो बड़े के अंदर तो फ्लक्स पूरा मिल भी नहीं पाएगा. तो हम एक काम करते हैं अपनी ईजी कैलकुलेशन के लिए, करंट गिवन तो ये है कि छोटे में पास किया, पर हम ये एज्यूम करते हैं कि करंट किस में पास किया, बड़े में पास किया. फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू चाहे आप छोटे में करंट पास करो चाहे बड़े में पास करो, कैपिटल एम की वैल्यू रिमेंस सेम. तो बात समझ में आ रही है. तो किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक बहुत छोटा सोलेनोइड और एक बड़ा सोलेनोइड है, अगर करंट छोटे में गिवन है तो भी एज्यूम कर लिया जाए कि वो बड़े में गिवन है. ठीक है यहाँ तक. उसके बाद ये तो बहुत लंबा कर रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा फॉर्मूला लगाओ कैपिटल एम का, ये वाला फॉर्मूला
कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एरिया एन वन एन टू बाई एल। तो आप एन वन एन टू नंबर ऑफ टर्न्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एल वन आप पुट कर देना, एल वन की वैल्यू बड़े, क्योंकि सारा काम बड़े से चल रहा है, तो लेंथ किसकी पुट करनी है, बड़े सोलेनोइड की, क्योंकि करंट हमने किस में ज्यूम किया, बड़े सोलेनोइड का, तो बड़े सोलेनोइड का यहाँ पर लेंथ पुट करनी है। और एरिया छोटा का बताया था मैंने, एरिया एक बड़ा और एक छोटा, एरिया कौन सा यूज करना होता है, छोटा एरिया, तो छोटा एरिया पुट करेंगे यहाँ से, कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आएगा, क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर उसने ये पूछा कि टोटल फ्लक्स निकालो एक बड़े सोलेनोइड का क्या होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, एम इन टू आई, हमने आई 3 एम्पियर तो किया ही हुआ है एज्यूम, और कैपिटल एम हमने निकाल लिया, एम इन टू आई से आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन में करना है, आपने सोचना है, ठीक। इस शीट के बेस पे आपको एक शीट मिली हुई है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव शीट नंबर 53, सब्जेक्टिव शीट नंबर 53 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 माइक्रोवेबर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्लक्स गिवन है, करंट गिवन है, मिली एम्पियर एम्पियर में कर लेना, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, एल निकालना है, बोलो फॉर्मूला क्या यूज करें, फाइव इज इक्वल टू एल आई, यहाँ से एल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहाँ तक। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, कॉइल ऑफ 10 हेनरी इंडक्टेंस क्या गिवन है, एल, करंट चेंजेस फ्रॉम 8 to 3 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड। तो फॉर्मूला आसान है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई पता है, डी टी पता है, एल पता है आंसर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपकी शीट। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर करना है 4, अभी जो मैं छुड़वा रहा हूँ वो होमवर्क है, 4th करना है अभी। देखो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन इंडक्टर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स इज गिवन। देखो इसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आपको एल की वैल्यू गिवन है 20 × 10⁻³ - 3 हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल
करंट आपको गिवन है इसमें 4 mA, ये करंट भी गिवन है, और टोटल फ्लक्स निकालना है। देखो दो बार फ्लक्स निकालना है, पहली बात अगर तो निकालना है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फिर तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल पता है, आई पता है, आंसर डन। तो पहला स्टेप क्लियर है, लेकिन वो कह रहा है कि एक और फ्लक्स निकाल लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शन तो एक ही होता है ना, तो यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल का फ्लक्स निकालने का मतलब फ्लक्स निकालो थ्रू ईच टर्न, ईच टर्न, समझ में आ रहा है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ईच टर्न। ठीक है यहां तक, तो टोटल फ्लक्स आप निकाल चुके हैं फाइव, इसको नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दें, डिवाइड, आंसर। समझ में आ रहा है, ईच टर्न या ईच एरिया का मतलब समझ में आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं, देखो मैं तो ऐसे ही करता हूं क्वेश्चन, मेरे को दोगे, मेरे को ये पता है कि ये फॉर्मूला आपको टोटल फ्लक्स देता है ऐसे, ठीक है। आपकी बुक्स फॉर्मूला पता है क्या यूज करती हैं, एन इंटू फाइव इज इक्वल टू एल आई, लेकिन जब वो एन इंटू फाइव करती हैं इसका मतलब वो फ्लक्स क्या ले रही हैं, ईच टर्न, तभी तो एन से मल्टीप्लाई करके क्या निकल रहा है, टोटल फ्लक्स। फिर वो कहती हैं कि ईच टर्न का फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ऐसे बताने के लिए बता रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे, वैसे ये सफिशिएंट है। तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता ना कि फाई का मतलब ईच टर्न है कि फाई का मतलब टोटल फ्लक्स है, तो मेरे हिसाब से फाई का मतलब टोटल फ्लक्स है, ईच टर्न निकालना होगा, अपने आंसर को एन से डिवाइड कर लेंगे। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके सॉल्यूशंस में हर जगह यही फॉर्मूला लगा हुआ है, एन इंटू फाई इज इक्वल टू एल आई, ये वाला, लेकिन यहाँ पर फाई का मतलब टोटल फ्लक्स नहीं है, ईच टर्न का फ्लक्स है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है ये करना है, सिक्स्थ। क्वेश्चन है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, तो ई की वैल्यू 0.4 वोल्ट गिवन है, करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू 10 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टाइम गिवन, आपको एल निकालना है, तो ई का फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल निकालना है तो ऑब्वियसली यार मैग्नीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा इसमें, नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आंसर आएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4 माइनस L आपको निकालना है, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, बताओ करंट क्या पुट करें, करंट क्या पुट करें, 10 एम्पियर है, फिर डायरेक्शन क्या होगी, 10 एम्पियर है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बोलो क्या पुट करें, जीरो नहीं, माइनस टेन, फाइनल करंट माइनस टेन होगा, क्योंकि इनिशियल करंट अगर 10 है तो फाइनल माइनस 10 है, उसने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर ये करना है 7।
देखो इसमें क्या है, अ कॉइल हैज सेल्फ इंडक्शन ऑफ, एल की वैल्यू इसमें गिवन है 10 × 10⁻³ - 3 हेनरी। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालनी, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन में गिवन है, करंट इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। तो आपको क्या निकालना है, इंड्यूस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ आई, आई की जगह क्या पुट करेंगे 0.1 sin of 200 t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एल इंटू 0.1 इंटू साइन के डिफ्रेंसिएशन मैथ्स में कॉस इंटू डी बाई डी टी ऑफ 200 t, ये लो। तो 200 कॉस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एल इंटू 0.1, यहाँ से 200 कॉन्स्टेंट आ गया, डी टी बाई डी टी 1 इंटू कॉस ऑफ 200 t। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। अगर आप चाहते हो ईएमएफ मैक्सिमम हो तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो मल्टीप्लाई कर लेना इन सबको, मैग्नीट्यूड निकाल देना, ईएमएफ आ जाएगी जो कि मैक्सिमम ईएमएफ होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होगी एल इंटू 0.1 इंटू 200 का मैग्नीट्यूड, बस ये होगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, समझ में आ रहा कैसे करना है इसमें? क्लियर है? तो डिफ्रेंशिएट कर लेना है और फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर देनी है। मन ठीक है, नेक्स्ट है, बस ठीक है, इसमें यही था। तो बाकी आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क करना है बाकी, ठीक है? बाकी मतलब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं मिलते जुलते,